अमित शाह ओडिशा आसीबा परे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह सोनपुर रे जनसमावेश को संबोधन करिवे। एक विशाल जनसमावेश को सोनपुर रे संबोधन करिवार कार्यक्रम रहुछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाहंकर बीजेपी रो वरिष्ठ नेता गोलक महापात्र एने सूचना देइछंती। सोनपुर परे भुवनेश्वर रे मध्य किछि कार्यक्रम रहुछि जेउतरे अंशग्रहण करिवे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। सोनपुर रे प्रचार वर्तमान जोरदार चलीथिबा बेले 24 निर्वाचन रो जो प्रचार माहौल रहिछि ताहा वर्तमान सरगरम रहिथिबा बेले एही प्रचार माहौल को आहुरी टिके गरम करिबा पई आसुछंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। सोनपुर रे विशाल जनसमावेश को संबोधन करिवे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। सेतिपई आसंता 25 तारीख रे ओडिसा आसीबे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। विशाल जनसभा सेदिन हबो सोनपुर रे बहुत बड़ एक जनसभा सेदिन हम से संबोधित करेंगे। तापर पुणे भुवनेश्वर आसवे भुवनेश्वर रे पार्टी कार्यकर्ता सहित आलोचना करेंगे। निर्वाचन रणनीति संबंध में आलोचना हम तेणु 25 तारीख रात्रि रहणी भुवनेश्वर हम तेणु निश्चित भाव में निर्वाचन एक रोचक निर्वाचन हम रणनीति निश्चित भाव विजय रणनीति हम तेणु आम समस्ते उत्साहित। अमित शाह 25 तारीख जो आसिबे हम समस्त को बड़ मिलिबो ओडिसा रे भारतीय जनता पार्टी रा सरकार हबो। तेबे संपर्क रे अधिक आलोचना करबा हम सहित अछंती हम प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति सीधासलख न्यूज रूम जोड़ी होई रहिछंती। सत्यजित आसंता 25 तारीख रे ओडिसा आसुछंती अमित शाह। निर्वाचन माहौल वर्तमान सरगरम रहिछि प्रचार जोरदार चलीछि जेतिकि गरम हेउछि सेही अनुसार प्रचार माहौल मध्ये जमुछि। अमित शाहंकर गस्त सोनपुर रे किभली प्रचार माहौल को आहुरी सरगरम करिवो? बिल्कुल भाव देखु अमित शाहंकर गस्त एवं राज्य बीजेपी कही निर्वाचन प्रचार बिगुल बजेब दल अर्थात कहीपर जे बीजेपी प्रथम जो कही जितेबाला प्रचार आरंभ हम केन्द्रीय नेतृत्व जो मैंने हेवीवेट नेता अच्छा जो मैंने स्टार प्रचारक अच्छा दल से सेने आसवे और विभिन्न कार्यक्रम भाग ने रोड शो करेंगे शोभा सहित बड़ बड़ सभा को संबोधन करेंगे। एभली कार्यक्रम विभिन्न लोकसभा क्षेत्र अनुजाई हेबो एवं सेही परिप्रेक्षी में देखिए अमित शाह कार्यक्रम आरंभ एवं यही कार्यक्रम दल बिगुल बजेबा को चाहूँगी। 25 तारीख में अमित शाह कार्यक्रम अच्छी देखूँ वर्तमान सुधा जहाँ कार्यक्रम संपर्क में जमापड़ी जे अपराह सोनपुर में एक साधारण सभार जोगदेवे एक विशाल साधारण सभा जो थे कि बलांगीर लोकसभा क्षेत्र में जदि आप देखिए जो लोकसभा क्षेत्र गुड़िक अच्छी टीटलागड़ पाखु आरंभ कर विभिन्न स्थान जो लोईसींगा हो बलांगीर कंटाबाजी पटनागढ़ सोनपुर वीर महाराजपुर ये जो सातटी विधानसभा क्षेत्र रोचे विधानसभा क्षेत्र जो कर्मी माने रही से माने उपस्थित रहिबे एवं हजार हजार कर्मी को संबोधन करेंगे अमित शाह। एवं यहाँ भुवनेश्वर फेरवार शाह कार्यक्रम रोचे भुवनेश्वर में रात्रि जापन कार्यक्रम रही रात्रि जापन करने सहित बीजेपी जो तुंग नेतृत्व अच्छा राज्यर जो मैंने राज्य सभापति राज्य संगठन मंत्री पाखु आरंभ कर जो कोर कमिटर सदस्य अच्छा से सहित रात्रि समय आलोचना रोतापुर रात्रि जापन अमित शाह करेंगे। एथेर दुईट कथ प्रथम कथा हूँ जे सोनपुर कार्यक्रम बलांगीर लोकसभा क्षेत्र और सहित जो सातटी विधानसभा क्षेत्र को फोकस करके दल अमित शाह कार्यक्रम कर कारण यही जो बलांगीर लोकसभा जदि आप देखिए जे लोकसभा बीजेपी हाथ में थी ता सहित लोईसींगा विधानसभा बीजेपी हाथ में थी अन्य स्थान में कांग्रेस बीजेडी थिले तीनो स्थान में बीजेपी द्वितीय स्थान में 5000 रु कम व्यवधान भितर परास्त होता ए क्षेत्र में बीजेपी से संगठन सुदृढ़ करवा सहित किभली भल फाइट हो पार और भल फलाफल कर पुणी थे लोकसभा हाथ और सहित विधानसभा गुड़िकलर परफर्मांस बेटर हम अधिक रु अधिक सीट जितब से दृष्टि अमित शाह कार्यक्रम बेस गुरुत्व बहन कर दलर प्लानिंग स्ट्राटेजी से सामान भाव में अच्छी सत्यजित आपर मन थी किसी दिन पूर्व अमित शाह निजर एक बयान में कही ओडिशा रे जोरदार फाइट हेबो एथर बीजेडी सहित बीजेपी रो एक जोरदार फाइट हेबा को जाउछि निर्वाचन रे डबल इंजन सरकार गठन करिबा पाई कि आमे यथासंभव चेष्टा करूछु लोक माने मध्ये एहाकु ग्रहण करिए बोली दृढ़तार सहित कही अमित शाह। तेणु घन घन अमित शाहंकर ओडिशा गस्त विभिन्न निर्वाचन मंडली को जाउछंती विभिन्न संसदीय क्षेत्र को गस्त करुछंती विशाल समावेश करा जाउछि कोन संकेत देउछि एहा? बिल्कुल भाव तपन देखते जो कथ कहे प्रकृत में अमित शाहंकर जो गस्त उपर नजर समस्त अच्छी केवल राजनैतिक दल मानक ना केवल बीजेपी कर्मी माने बा नेता मानक ना साधारण भोटर मानक भी अच्छी राजनीतिक समीक्षक मानक रही रही अमित शाहंकर आभिमुख्य कौन रही 2019 कथ आप जानते हैं 2019 जो अमित शाह आसी प्रचार करते राज्य सरकार विरोध में टार्गेट करते विरोध में अभिभाषण रखी थे गोटे प्रकार कहीपरिया सरकार आसो जो सीधा डायरेक्ट
टाटा कहुए से भाई किंतु परवर्त समय देखो आभिमुख्य बदली आपड़ जदि अति निकटतर देखिए जे जाजपुर जितेबाला चंडीखोल सभा प्रधानमंत्री से समय स्वर और तापर मेट चर्चा अनेक कथा बर्तमान राजनीतिक विगत किसी दिन भितर ओडिशा राजनीति में घटी जाए परिस्थिति में जितेबाला केन्द्रीय नेतृत्व भाव में अमित शाह आसवे अमित शाह अभिभाषण किभली रही है यह अभिभाषण समय सी बीजेडी प्रति बा राज्य सरकार प्रति आभिमुख्य कबल रोच से विषय से किसी प्रसंग उठाऊँचना जो कथा आपड़ कहले ओडिशा अस्मिता कथ को लेकिन सी कही डायरेक्ट फाइट करने दल ये प्रस्तुत होती दल मेट को जाए निर्वाचन एकाकी लड़ब एकाकी कि डबल इंजिन सरकार कर चेष्टा करा जिते आसवे से कर्मी पाखे ये बार्ता रखे कि कौन तर अभिभाषण रोपुर नजर रोक आग को लेकिन यार बीजेपी स्ट्राटेजी पूरा निर्वाचन सर पर्यटन शाहों गस्त शाह अभिभाषण देखु जितेबाला अमित शाहर यह गस्त विशेष भाव में गुरुत्व बहन कर चर्चा राजनैतिक समीक्षक मैंने अनुमान लगाउछन्ते कारण निर्वाचन प्रचार माहौल से प्रचार माहौल को आहुरी टिके कड़ाकड़ी करने प्रचार माहौल को आहुरी सरगरम करने अमित शाह आसुछन्ते किंतु ता भितर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि ग्राउंड रे स्थिति कौन जो जो अंचल गुड़ी विशेष भाव में फोकस करुछि बीजेपी से अंचल गुड़िकरे ग्राउंड रे किभली प्रचार चली स्थिति कौन से किसी गुरुमंत्र दे पारती केमिति प्रचार करा जिवो केउ प्रसंग को अधिक फोकस करा जिवो निश्चित भाव में देखु अमित शाह कार्यक्रम साधारण लोक जो जनसभा रही संबोधन पर सी जो रात्रि जापन पर भुवनेश्वर आसवे भुवनेश्वर में कोर कमिटी राज्यर जो तुंग नेतृत्व अच्छा राज्य सभापति राज्य संगठन मंत्री राज्य संपादक राज्य उपसभापति राज्यर जो कोर कमिटर जो वरिष्ठ नेता मैंने से मैंने सहित आलोचना अच्छी मीट अच्छी एक गोलक महापात्र आज सूचना देते अर्थात जितेबाला से राज्य नेतृत्व आलोचना करेंगे निश्चित भाव में निर्वाचन स्ट्राटेजी ने ही आलोचना हम निर्वाचन समय रही तो दल किभली भाव में आभिमुख्य रही दल किभली भाव में निर्वाचन लड़ब स्ट्राटेजी कौटी परिवर्तन करने को पड़ो अंक कौन कौन कौ जगह कौन कि स्थिति रही सहित आउ कौ कौ स्थान जो जो स्थान में दल भल परफॉर्मेंस सर्वे रिपोर्ट भल आसी से स्थान को आहुरी किभली भाव में बेटर करतीपाई जो बड़ बड़ नेता जो शाह आसे यापर प्रधानमंत्री गुड़ाए स्थान में कार्यक्रम राज्य बीजेपी पक्ष फिक्स करा देखिए अन्य जो बड़ बड़ नेता जो मैंने रोचान बीजेपी में योगी आदित्यनाथ कथा दल कही वसुंधरा राजे कथा दल कही आण प्रचार कर तो ये बड़ बड़ नेता जो मैंने आसवे से किभली कार्यक्रम हम दल कौटी कौटी आवश्यक रही स्टार कैंपेनर मान प्रचार में दल स्ट्राटेजी किभली हम कौ स्थान कौ नेता दायित्व दिज्वे ये सबू दिगर जदि आप देखिए अमित शाह जितेबाला कोर कमिटर सदस्य मान सहित आलोचना करेंगे निश्चित भाव में यह संपर्क में आलोचना हो गोटे रोड मैप प्रस्तुत हम तेणु राज्य बीजेपी जो तुंग नेता जो मैंने रही से बे आशावादी अच्छा शाहर गस्त नहीं कारण दुईट कथा गोटे हूँ साधारण सभा शाहर जो प्रतीक संबोधन रोपुर नजर रोक द्वितीयत हूँ जितेबाला से वन टू वन आलोचना करेंगे राज्य नेतृत्व सहित निश्चित भाव में किसी गुरुमंत्र देते किसी स्ट्राटेजी और जितेबाला अमित शाह को समस्त जानते जे स्ट्राटेजी मेकर और से स्ट्राटेजी करती गोटे कथा निश्चित भाव में आलोचना करवा अमित शाह गस्त जितेबाला एवं आ पूर्व प्रधानमंत्री आसी जो भाई विशा राली करा विशा समावेश करा चंडीखोले ता पूरा ओडिशावासी देखी शाह गस्त सोनपुर एक विशा समावेश करा तेणु आम आशा करवा निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह गस्त एक बल जगह कारण निर्वाचन माहौल भितर अमित शाह गस्त एवं अमित शाह सबकि समीक्षा करेंगे क्यों भाई कार्य चली भाई निर्वाचन प्रचार चली ग्राउंड रे जो जो मानक प्रार्थी करी भारतीय जनता पार्टी से माने केमिति काम करुछंती से निश्चिंत भाव समीक्षा करेंगे अमित शाह भाव में देखो जो अमित शाह आप देखिए पश्चिम ओडिशा को एवं विजु जनता दल गुरुत्व दूसरी आपड़ जमी जानते मुख्यमंत्री पश्चिम ओडिशा निर्वाचन लड़ुंट से भाव में जो बॉबी दास संबलपुर आसन लोकसभा लड़ुं एक क्षेत्र में बीजेपी गुरुत्व रही धर्मेन्द्र प्रधान संबलपुर लड़ुंट और अमित शाह कार्यक्रम रोचे निश्चित भाव जो शाह आसवे आलोचना हम निश्चित से किसी तथ्य हासिल करेंगे जो दल किभली स्ट्राटेजी रही आपड़ जानते हैं या पूर्व दुई थर तीन थर
ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ରହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ, ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ସହପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସିସି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସିସି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୋର୍ କମିଟି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ରାତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ 25 ତାରିଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ 25 ତାରିଖରେ ଅମିତ ଶାହ ଆସିବା ପରେ ସୋନପୁରରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ସମୟ, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିବ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ରହିଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଅମିତ ଶାହ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଏ ଗସ୍ତ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହୁଛି।